अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, यहाँ पे जो है मैं हस्बैंड के लिए शेक बना रही थी, और आज ऐसा हुआ था कि अब्दुलाहद भी जो है मेरे साथ जाग ही रहा था, क्योंकि ये काफ़ी देर से उठा था, तो इसलिए जो है ना ये अभी तक जाग रहा था। तो फिर थोड़ा सा मैंने इसके लिए भी साथ बना लिया था, और उनको ये शेक सेम वही जो डेट आलमंड्स एंड बनाना का मैं बनाती हूँ, तो मैंने उनके लिए बना लिया था। और जी, ये दोपहर का टाइम है, जब वो वापस आ चुके थे, तो उनके लिए तो जो है दोपहर का खाना होता है, लेकिन मेरा तो समझ लें कि ये नाश्ता होता है। इस टाइम मैंने नाश्ता करना होता है, क्योंकि मैं उस टाइम जो है सो जाती हूँ, उनके जाने के बाद सोते ही उसी टाइम हूँ, तो फिर तभी तब मैंने कुछ भी नहीं मैं खाती, मुझे आदत नहीं है सुबह सुबह उठ के खाने की कुछ भी, तो इसीलिए बस फिर मैं जो है ना थोड़ा लेट ही खाती हूँ। तो जब वो वापस आते हैं तो फिर मैं उस टाइम उनके साथ खा लेती हूँ। तो लेकिन जो है ना दोपहर का टाइम था, लेकिन फिर भी मेरा बस पराठे खाने का कभी कभी मूड होता है, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो टोटली स्किप हो जाता है, तो इसीलिए समझ लें कि नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही हो रहा होता है। तो कभी फिर पराठे खा लेते हैं, और कभी कोई ऐसा सालन होता है तो हम फिर सादा रोटी बना लेते हैं। तो आज बस जो है ना ये दोपहर में जो है मेरा पराठे खाने का मूड हो रहा था, तो फिर मैंने 3 पराठे बना लिए थे। डिपेंड करता है कितनी भूख लगी हुई है, उस हिसाब से कभी 3 बना लेते हैं, कभी 2 बना लेते हैं। और साथ जी, ये आपको पता है कि फेवरेट एग है ये हमारा, तो ये मैं बना रही थी। और ऑमलेट जो है, कुछ लोग जो है ना खाली प्याज में बना लेते हैं, ये वाला अंडा यानी प्याज वाला अंडा, तो लेकिन अगर इसमें टमाटर डाला हो ना तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और ये ग्रीन चिलीज़ तो जो है ना वो इसकी, मैं कहती हूँ, टेस्ट को ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं, बहुत ही मज़े का ये बनता है अगर ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर डालें। और ये टमाटो से जो है ना इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है। तो ये जी जो है साथ ये भी बन गया है, अंडा भी और पराठे भी बन गए हैं, और अचार भी रख लिया है। तो ये परफेक्ट नाश्ता है, अगर साथ एक कप चाय का भी हो जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन यार गर्मी इतनी है कि चाय पीने का तो दिल ही नहीं करता है ना। तो आज ना हस्बैंड वापसी पे दही ले आए थे, तो उन्होंने कहा था कि साथ में जो है ना नमकीन लस्सी बना लो, उनके मुंह में ना छाले वगैरह भी निकले हुए थे, और सेम यही इशू मेरे साथ भी चल रहा था, तो हमें कुछ ठंडा चाहिए। अभी तक आप देख लें कि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, और ये मौसम जो है ना अजीब सा है। बाहर निकले तो फिर भी थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन घर के अंदर जो है ना वो बहुत गर्मी है, और अभी तक जो है ना वो एसी चल रहे हैं, और दोपहर में कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो ये मौसम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं अभी तक। तो जनाब, ये चीज़ें मैंने कट कर ली हैं जी, जो मैं खाना वगैरह आज बना रही हूँ उसके लिए सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। तो जी, आलू गोभी मैं बनाने लगी हूँ। आलू गोभी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं प्याज नहीं डालती हूँ गोभी में, क्योंकि ना वो गोभी जो है ना वो मीठी मीठी सी हो जाती है। तो ये मैंने बस टमाटर कट किए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये जो आपको पालक और आलू नज़र आ रहे थे वो हैं जी पकौड़ों के लिए, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया था तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना पकोड़े नहीं खाए। पता नहीं उन्होंने कितना टाइम, इतना ज़्यादा टाइम कैसे गुजार लिया पकोड़ों के बगैर, वरना वो तो हर हफ्ते पकोड़े खाते होते हैं, यानी हर वीकेंड पे जो है ना उन्होंने पकोड़े खाने होते हैं। लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद मैं आज बना रही थी पकोड़े। तो साथ जो है मैंने पहले सालन रख दिया था, और ये प्याज को जो सॉरी टमाटर को जो है मैंने ऑयल में डाल दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, और जी इसको अच्छी तरह से भून के इसके अंदर सारे मसाले ऐड करके, और आलू गोभी जो है एक साथ ही इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि गोभी भी जल्दी से पक जाती है और आलू भी जो है वो जल्दी से ही पक जाते हैं। लेकिन ना आजकल सब्जियां कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि वो उस तरह से नहीं गलती हैं जैसे पहले गलती होती थी, यानी अब ना अजीब सी सब्ज़ियाँ होती हैं। वो कोई ऐसी सब्ज़ी होती है जो यूं मिनट में गलने वाली होती है, लेकिन वो इतना टाइम लेती है, उसमें पानी भी डालना पड़ता है, तो बस अब वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये गोभी भी ज़रा जो है ना आराम से ही बनी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं बनी थी, और इसमें पानी वगैरह भी थोड़ा डालना पड़ा था। तो ये सारे मसाले डाल के मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ डाल के अच्छी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर को जो है वो भून के, तो इसके अंदर आलू गोभी डाल दी थी, और उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के उसको लो फ्लेम पर जो है मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने रख दिया था, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकती रही थी। तो जनाब, जब तक जो है वो गोभी मैंने रखी थी चूल्हे पे, तो मैंने कहा कि साथ ही जो है ना मैं
पकौड़ों का मटेरियल भी रेडी कर लेती हूँ उतनी देर में, तो फटाफट से जो है सारे काम साथ साथ हो जाएंगे। तो फिर ये इसके लिए जो है मैंने पालक काट ली थी, और ये आलू जो है बारीक बारीक चिप्स की शेप में ही मैंने इसको कट कर लिया था। प्याज भी डलते हैं इसमें आई नो, लेकिन मैंने प्याज स्किप कर दिए थे, मेरा दिल नहीं कर रहा था प्याज डालने का तो मैंने नहीं डाले, कोई इतना मसला नहीं है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाला है। पकौड़ों में लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप डालें तो पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, और लहसुन का जो आपको पता है एक अजीब सा मज़ेदार से जो टेक्स्चर होता है ना वो पकौड़ों में बहुत मज़े का लगता है। और इसमें जो है नमक डाला है मैंने, मिर्च डाली है, हल्दी तो नहीं, जीरा धनिया पाउडर डाला है, अजवाइन भी होती थोड़ी सी तो वो भी डालते, तो उससे जो है ये होता है कि पकौड़े जल्दी हज़म हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये जी बेसन डाल लिया है, और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अच्छा मैं आपको एक पकौड़े जो है ना क्रिस्पी बनाने का नहीं एक टिप देती हूँ कि अगर आपको चाहिए ना कि पकौड़े आपके जो है वो क्रिस्पी हों और नरम नरम से ना हों, तो आपने जो है ना पकौड़ों में बेसन जो है ना कम डालना है, और पानी भी आपने बहुत कम डालना है। यानी कि आपका जो मटेरियल है ना वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि पानी के अंदर आपकी सारी चीज़ें हों, ऐसा होना चाहिए कि आपका सारा मटेरियल जो है ना वो एक जो है ना चीज़ें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। तो अगर इस तरह का आपका मटेरियल बना होगा ना पकौड़ों का, तो आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे, उस तरह के नरम से और फूले फूले नहीं बनेंगे पकौड़े जैसे नॉर्मली बनते हैं। और पकोड़े बनाने का जो मज़ा हाथ से आता है ना वो चम्मच से नहीं आता है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही जो है बना रही हूँ, और हाथ मेरे साफ़ हैं, धुले हुए हैं। किचन में जब बंदा काम कर रहा होता है तो उसके हाथ बार बार धुल रहे होते हैं। तो ये देख लें जी जनाब, ये इस तरह का जो है ना ये इसको मैंने अच्छी तरह से कम्बाइन किया, और इसमें हल्का सा बिल्कुल पानी डाला। अभी तक आप देख लें मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, जो पालक का पानी था, आलू गीले थे, ये उसी के अंदर जो है ना वो हो गया था। तो ये जो है चटनी के लिए मैंने चीज़ें काटी थी, तो क्या हुआ था कि लाइट चली गई एंड टाइम पे 8:15 बजे ना हमारी लाइट जाती है, तो मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं पहले बना लेती। तो फिर ना मैंने जो है ना 1-2 मिनट के लिए बस ये फटाफट चटनी बनाने के लिए ना UPSP ग्राइंडर लगा लिया था, अपना जग लगा लिया था, क्योंकि मैंने कहा अगर 1 घंटा इंतज़ार करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। और सालन बन चुका था, रोटी भी बन चुकी थी, बस सिर्फ पकौड़े फ्राई करने थे। तो फिर इसलिए मैंने ना इसको अंदर जो अपने UPS वाले जो स्विच है ना उस पर ही मैंने चटनी बना ली, और जो है ना इसको ये रायता भी बना के रख लिया था, रोटी भी बना ली थी मैंने, और दूसरी तरफ बस अब पकौड़े फ्राई करने थे और खाना शाना जो है हमारा रेडी हो जाना था। तो जी तो फ्राइंग के टाइम पे जो है वो मेरे हस्बैंड खड़े हो गए थे आके, और मैं क्योंकि अब दुलाहत को देखने लग गई थी तो वो वीडियो नहीं बन सकी। तो कोई बात नहीं, फ्राइंग में तो ऐसा कोई स्पेशल जो है तरीका नहीं होता है, बस ऑयल में डालना होता है, बस आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए अच्छा था अच्छे से, ताकि जो है पकौड़े हमारे चिपके ना। तो ये देख सकते हैं आप, पकौड़े क्रिस्पी से जो है बन चुके थे और खाना भी हमने खा लिया था। एंड देन जी अब्दुल्हाद ने जो है ना बेड की जो चादर है वो ख़राब कर दी थी, तो वो मैंने उतारी हुई थी, तो अभी ये उठ ही नहीं रहा था बेड से। इसने सारे जो है ना रूम में टॉयज़ फैलाए हुए थे, सारे रूम में नहीं बल्कि इसने पूरे घर में टॉयज़ फैलाए हुए थे, बाहर वाले रूम में अलहदा, लिविंग रूम में, किचन में, बेड के पीछे, और इतने सारे इसने अपनी यानी तीनों बास्केट्स जो है ना आज टॉयज़ की खाली कर दी थी। और मैंने इतनी मेहनत से जो है वो सारे टॉयज़ उठाए, चादर बिछाई बेड की, और पूरा घंटा लगा के मैंने सारा जो है ना वो घर साफ़ किया, और अब्दुल्हाद ने 2 मिनट भी नहीं लगाए दोबारा से वही बास्केट्स अपनी लेके आया, और वही उसने दोबारा जो है ना गिरा दी। तो फिर मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं उसको तंग करती कि वो बेचारा अब करे भी क्या, कि अगर मैं उसको टॉयज़ भी ना दूँ या मैं ये टॉयज़ भी छुपा के रख दूँ तो वो क्या खेलेगा। तो इसीलिए कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो होता रहता है बच्चों के साथ, कोई बात नहीं, वो उठा लेता है बंदा बाद में। तो जनाब लेट नाइट कुछ ऐसा हुआ था कि सालन वगैरह तो सब कुछ बना हुआ था लेकिन ना आटा ख़त्म हो गया और मैंने जो है वो खाना नहीं खाया था, तो बस मुझे भूख लगी हुई थी। तो अब मैं क्या करती, तो इस टाइम फिर मैंने जो है फूड पांडा से ये सब्जी मंगवा ली थी अपने लिए, और क्योंकि सब्जी जो है मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने सोचा था कि मैं देखूँगी अगर फूड पांडा पर सब्जी मिली तो मंगवाऊँगी, वरना मैं कोई बात नहीं कुछ और जो है ना करके तो कुछ गुजारा कर ही लूँगी रात का। तो खैर ये मुझे सब्जी मिल गई और फिर ये मैंने ऑर्डर कर ली और मज़े से सब्जी खाई अपनी, इंजॉय की सब्जी। ये बहुत ज़्यादा ही थी, वैसे मैंने क्वार्टर मंगवाई थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही आ गई थी, शायद मेरा ख्याल है कि रात काफ़ी हो गई थी तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं सारी भेज देते हैं हम। तो खैर मुझे क्या, मुझे तो सब्जी से गर्ज है, मैंने तो सब्जी इंजॉय कर ली अपनी। तो जी इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो उसको जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।